और बच्चे भाई काफ़ी मेहनत भी कर रहे हैं, लाखों रुपया लगा रहे हैं। अरे लाखों तो रुपया की तो बात छोड़िए, सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है रुपया? आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, इस मुद्दे को यूट्यूब के माध्यम से आगे बढ़ा रहे हो। आप घबराइए मत, आराम से दिल खोल के बोलिए। और जो लोग हिंदी मीडियम से सिलेक्ट हुए हैं, क्या वो दूसरे ग्रह से पढ़ के आते हैं या फिर वो भी यहीं रहते हैं? और निष्पक्ष होकर भावना से आप इंटरव्यू ले रहे हैं, हिंदी और इंग्लिश में कोई भेदभाव नहीं कर रहे हैं, तो क्यों नहीं आप इंटरव्यू में निकाल देते कि हाँ मैं इंटरव्यू में लिया और देखो इसने भी आंसर ये दिया, इसने भी आंसर ये दिया। अगर हिंदी का मटेरियल ठीक नहीं आ रहा है तो जो लोग सिलेक्ट हुए हैं हिंदी के, वो कौन सा मटेरियल उन्होंने कहीं और विदेश से मंगाया था क्या, ये बताइए। नहीं, हमने क्या बोला कि मटेरियल अब ठीक आ रहे हैं लोग कि आप पेपर कैसे बनाते हो, कितनी सारी गलतियाँ कहाँ से रहती हैं? जो पेपर सेटर है क्या वो अंतरिक्ष से आता है? जिसकी लाठी, सुन लीजिए, जिसकी लाठी उसकी भैंस। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जब से बने हैं और इस संघी वाले लोग ठहरे, इनकी एक ही मंशा है हिंदुस्तान की बात करो, लेकिन जो हिंदी मीडियम से पढ़ के आए हैं बच्चे उनकी मतलब पत्ता साफ करो। ऐसा नहीं कि बच्चे पढ़ते नहीं है, आप यहाँ पे लाइब्रेरी में जाके देखोगे बच्चे दिन रात पढ़ते हैं, लेकिन जब दिन रात पढ़ते हैं लेकिन रिजल्ट इतना कम। हाँ, लंदन से पढ़ के आके, कर्नाटक से पढ़ के आके, तमिलनाडु से, केरल से पढ़ के आते हैं जहाँ पे मैक्सिमम हिंदी भाषा नहीं है, तब समझ में आती। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम दिवाकर, आप देख रहे हैं शिवम दिवाकर यूट्यूब चैनल। अभी 2020 का यूपीएससी सीएससी का रिजल्ट आया था, जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं, कैंडिडेट हैं, वो बहुत ज़्यादा निराश हैं और परेशान हैं, क्योंकि आज हम नेहरू विहार में हैं। ये जगह मुखर्जी नगर के बिल्कुल पास में है, कहा जाता है किताबी रंग बिरंगी दुनियाएँ, दृष्टि के बिल्कुल पास में है। यहाँ पे बहुत सारे यूपीएससी एस्पिरेंट रहते हैं जो भारत के कोने कोने से तैयारी करने आते हैं, और सबसे बड़ी बात ये है यहाँ पे तैयारी करने जब आते हैं तो इतना आसान नहीं है यहाँ पे तैयारी करना, क्योंकि मोटा पैसा खर्च होता है कोचिंग करने में और यहाँ पे रहने में, और जब सफलता नहीं मिलती है, रिजल्ट कम आता है हिंदी मीडियम का, तो कहीं ना कहीं ये लोग भी निराश होते हैं और इनके परिवार के लोग भी, क्योंकि बड़ी मेहनत से परिवार के जो सदस्य हैं, माता पिता हैं, वो यहाँ तक स्टूडेंट को भेजते हैं। यहाँ पे हमारे साथ में कई स्टूडेंट मौजूद हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे कि जो अभी 2020 का यूपीएससी और सीएससी का रिजल्ट आया था उसमें इतना कम क्यों रिजल्ट देखने को मिलता है हिंदी मीडियम वालों को, क्या ये लोग पढ़ते नहीं है? सबसे पहले सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, सर ये बताइए अभी जो 2020 का रिजल्ट आया यूपीएससी सीएससी का, इसमें हिंदी मीडियम वाले छात्रों का चयन है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल कम दिखाई दे रहा है, आखिर क्यों? वो मेहनत तो करते हैं, पढ़ते भी हैं, और रिजल्ट कम क्यों दिखाई दे रहा है, क्या वजह? सबसे पहले तो इस बात का कमिटी को देखना चाहिए कि कॉपियाँ जो हैं हिंदी मीडियम की अलग चेक होनी चाहिए, इंग्लिश मीडियम की अलग चेक होनी चाहिए। दो, ऐसा हो रहा है कि इंग्लिश मीडियम का टीचर जो मूल्यांकन कर रहा है वो हिंदी मीडियम की भी कॉपी चेक कर रहा है, कॉपी इसलिए चेक नहीं हो रही, दोनों का कहीं ना कहीं तालमेल गलत हो रहा है। हिंदी मीडियम का जो चयन है इसको कैसे, संख्या को कैसे बढ़ाया जा सकता है? इसको तो सबसे पहले कमिटी के द्वारा सुधार किया जाना चाहिए, क्योंकि सब लोग कह रहे हैं कि अभी एक इंटरव्यू, पर्सनल इंटरव्यू दिया था हमारे अध्यक्ष साहब ने, तो उन्होंने कहा कि भाई मानकीय विषय के बच्चे पढ़ते नहीं हैं। अरे भाई, वो कक्षा 6 में ABCD सीख के आते हैं, उसके बाद UPSC की तैयारी करते हैं, फिर वो फाइट करते हैं। आप उनके मानसिक स्तर को देखिए, टेक्नोक्रेट का मतलब क्या होता है? अच्छे कॉलेज का पढ़ना बंदा BTEC करके आता है, उसके बाद उसे प्रेजेंटेशन दिया, सिखाया जाता है, शुरू से प्रेजेंटेशन सिखाया गया, सिखाने के बाद में उसको वो स्किल डेवलपमेंट करता है, ए डायग्राम बनाता है, वो डायग्राम फ्लोर चार्ट बनाता है, डाटा कवरिंग करता है, और उसके बाद टेक्निकल भाषा में भारत की ग्रोथ बढ़ रही है उसको संभावना दर्शाता है, इसीलिए वो उनका रिजल्ट अच्छा जा रहा है। हिंदी मीडियम के दोनों कॉपियाँ अलग अलग चेक हों तो कहीं ना कहीं रिजल्ट अच्छा जाएगा। यहाँ पे इंग्लिश को इतना महत्व क्यों दिया जा रहा है, जो हिंदी अपनी राजभाषा है इसको, मतलब इसका महत्व धीरे धीरे कम गिरता हुआ नजर आ रहा है, कम इसमें लोग है सिलेक्ट हो रहे हैं, आखिर क्या वजह है इंग्लिश मीडियम वालों को इतना महत्व क्यों दिया जा रहा है इंग्लिश वालों को? क्योंकि इंग्लिश जो है कार्यकारी भाषा है, कार्यकारी भाषा में पार्लियामेंट में भी कार्यकारी सारा काम इंग्लिश में ही होता है, तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से मेरा अनुरोध पर्सनली है, क्योंकि इस जैसे उन्होंने 2014 के बाद में CSET ख़त्म किया, वैसे ही इस भाषा को लिए कहीं ना कहीं एक समिति बनाएं और इस समस्या का समाधान करें। मैं पर्सनली, मैंने इस बार इंटरव्यू दिया है, 20 तारीख को था, मेरे साथ में दो लोग थे, दोनों IRS थे सिलेक्टेड, लेकिन उनका भी नहीं हिंदी माध्यम से हुआ, क्योंकि हम लोग 4-5 इंटरव्यू लगातार फेस कर चुके हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग कहीं पागल हैं या हम लोगों का रिजल्ट नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं है, हम लोग पढ़ते नहीं हैं, लेकिन ये चीज़ गलत है कि रिजल्ट कहीं ना कहीं ये डिफ्लूट कर रहे हैं। अगर मान लिया हम लोगों में कैपेबिलिटी नहीं है, क्या हमारे अंदर अगर दम नहीं है, पोटेंशियल नहीं है, तो क्या हम PT का एग्ज़ाम नहीं निकाल सकते हैं तो फेल हो जाएं वहीं से? PT निकालते हैं, मेंस निकालते हैं, अच्छे रैंक से आते हैं, उसके बाद हमको बाहर किया जाता है, तो ये थोड़ा डिप्रेशन का माहौल रहता है।
आपका नाम क्या है ये आप बताइए, हिंदी मीडियम के छात्रों का चयन इतना कम क्यों दिखाई दे रहा है, क्या वजह है? बहुत सारे लोग जो वीडियोस देखते हैं वो कह रहे थे जो मुखर्जी नगर में जाके जो यूपीएससी एस्पिरेंट वो पढ़ते नहीं है, यासी करते हैं, घूमते हैं। सबसे पहले तो मैं जितने भी सिलेक्ट हुए हैं मेरे सीनियर्स, मैं उनको बधाई दे रहा हूँ। और मेरा नाम अविनाश है। ऐसा ज़रूरी नहीं है जैसे बड़े भाई ने अभी बताया कि कई चीज़ें जो दिमाग में चल रही हैं कि मतलब मैक्सिमम कोर पॉइंट बता चुके हैं भैया। मैं यहाँ पे एक एडिशनल चीज़ें ये ऐड कर रहा हूँ कि हिंदी मीडियम के लड़के यहाँ मस्ती करते हैं, तो किस मीडियम के लड़के मस्ती नहीं करते हैं? और अगर व्यक्तिगत रूप से अगर जिस हम डिस्ट्रिक्ट को संभालने के लिए आ रहे हैं, अगर एक आम इंसान मस्ती मजाक और इन सबों के दायरे से नहीं गुजरेगा, तो क्या वो एक चुपचाप हीन भावना से बैठा हुआ व्यक्ति केवल रट्टू तोता बन जाए और जो ऊपर से आदेश मिले वही रट्टू तोता के काम करें? हम एक इंसान है ना, सबसे पहले यूपीएससी तो हमारी सेकेंडरी चीज़ें हैं, हम पहले तो इंसान हैं। इंसान के रूप में क्या वो इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो, चाहे यूपीएससी का हो, चाहे आईआईटी का हो, चाहे एक गांव का बच्चा क्यों ना हो, मस्ती मजाक जीवन का एक पहलू है, एक सिद्धांत है। रही बात यूपीएससी की, यूपीएससी में हिंदी मीडियम का ग्राफ जो गिरा है वो स्वाभाविक रूप से हमें इसको एक्सेप्ट करना होगा कि वास्तविकता में हमको कहीं ना कहीं मेहनत ज़्यादा करने की ज़रूरत है। क्योंकि कहा जाता है कि घर में जैसे जो एक समय बड़ा बच्चा हो जाता है उसको समझ और उसके गांव वाले जानते ज़्यादा हैं, तो एक परिवार के रूप में, पिता के रूप में एक बड़े बच्चे को ही महत्व बहुत ज़्यादा मिलता है और धीरे धीरे समाज भी उसको महत्व देता है। तो जो छोटा बच्चा होता है उसको मेहनत बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत होती है, ये बात स्वाभाविक सी है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि जो जो छोटा बच्चा है वो कहीं ना कहीं उस पिता के या उस खून का वंशज नहीं है, वो भी वंशज, बशर्ते ये है कि आप उसको मौका तो दीजिए। आप बताइए, नहीं दे रहे हो, आप बताइए हिंदी मीडियम रख के हिंदी मीडियम का बच्चा है, क्योंकि आप चाहते ही नहीं हो कि धोती कुर्ता पहन के और एक गांव का व्यक्ति कीचड़ धान का खेत से करके वो आके यहाँ बताए। आप एक बात बता रहा हूँ, सीधी सी बात है, जो आज किसान आंदोलन के लिए ये नीतियाँ बनाई गई हैं या जो वाहन प्रदूषण के लिए नीतियाँ बनाई जाती हैं, जो इतना बहुत ज़्यादा लगा दिया जाता है टैक्स और कर, अगर जो गाँव का बच्चा वहाँ पर जाके बैठेगा ना एसी रूम में, वो जो नीतियाँ निर्माण करेगा ना उसका जो क्रियान्वयन होगा वो बड़े अच्छे से होगा। जो इंग्लिश मीडियम वाले भी तो गांव से आते हैं ना, वो भी तो गांव से आना अलग बात है, उनकी आर्थिक स्थिति देखना अलग बात है, वो आप उनसे जाके बात करके मिलिए कि वो क्या चाहते हैं। रट्टू तोता होना अलग बात है, एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से उठना अलग बात है। हमारे मोदी जी कहते हैं कि हम हिंदी क्षेत्र से, हिंदी बेल्ट से खुद कहते हैं, और वो यूएन में भाषण देते हैं हिंदी में, और ये कहते हैं कि नहीं नहीं वो गांव का क्षेत्र है या हिंदी वाला कामयाब नहीं। क्यों कामयाब नहीं? आप अगर कहीं ना कहीं भेदभाव करते जाओगे, आप जैसे भैया ने बोला कि हाई कोर्ट का हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट का हो, चाहे संसद भवन का हो, हर एक चीज़ पीआईबी हो, जहाँ तक जो पढ़ने के लिए अच्छी अच्छी बुकें आती हैं, जहाँ से कोर यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है वो पीआईबी से पूछ रहा है, वो आपके इंस्टीट्यूट से क्वेश्चन पूछ रहा है, वो सारी चीज़ें मटेरियल इंग्लिश में, हम ठीक है हम उसको देख रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एग्जैक्ट जो उसका वास्तविकता में आंसर रूपांतरण हो वो गूगल रूपांतरण है। मैंने आपसे एक बार आप मुलाकात और भी हुई थी तो मैं उसको आपने बताया था कि गूगल रूपांतरण है, देवनागरी लिपि भाषा में रूपांतरण, हम बोल आप हमसे जो बोल पूछ रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा, अभी आपसे बात करेंगे, आप बताइए ये रिजल्ट को कैसे बढ़ाया जा सकता है, इतना क्यों गिरता जा रहा है, आप क्या मानते हैं, क्योंकि आप खुद एक यूपीएससी एस्पिरेंट हैं। जैसे कि आपको पता है कि 10 अक्टूबर को यूपीएससी का फिर से प्रीलिम्स है, तो प्रीलिम्स में क्या है कि 12 से 15 लाख बच्चे बैठते हैं पेपर देने के लिए, जिसमें हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के स्टूडेंट होते हैं। फिर जब पेपर आता है प्रीलिम्स का, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है, और जो पेपर सेटर होता है पहले उसको इंग्लिश में बनाता है और फिर उसके बाद गूगल ट्रांसलेशन से उसको हिंदी में करता है, और जो उसका हर साल का आप पेपर उठा के देख लेंगे तो 5-6 क्वेश्चन गलत रहते हैं, मतलब जिसका ट्रांसलेशन ही गलत किया गया। मान लीजिए कोई भी स्टूडेंट है जिसका एक ही दो क्वेश्चन से सिलेक्शन रुका, वो अगर ट्रांसलेशन सही होता जिसकी वजह से उसका सिलेक्शन हो जाता, तो पहली बात है हिंदी मीडियम के मतलब जो यूपीएससी का पेपर सेटर है उसको उससे मतलब ये सवाल करने चाहिए कि आप पेपर कैसे बनाते हो, कितनी सारी गलतियाँ कहाँ से रहती हैं, जो पेपर सेटर है क्या वो अंतरिक्ष से आता है, मतलब उस पर काम करना चाहिए कि पेपर सेटर सही हो। और फिर उसके बाद आप देखेंगे जब प्रीलिम्स में जब प्रीलिम्स होता है तो 15,000 बच्चों का सिलेक्शन होता है, 15,000 बच्चों में से मेंस के लिए, तो उसमें से हिंदी मीडियम का आप देखोगे 500 से 600 बच्चे ही मेंस के लिए जा पाते हैं। जब 500 क्यों जा पाते हैं, इतने कम क्यों जा पाते हैं, आप बताइए। जाने का रिसोर्स ये नहीं कि नहीं जा रहे हैं, बट आप उसका ये देखिए ना कि इम्पैक्ट कहाँ पड़ा। जैसे भाई साहब ने बताया कि जो गूगल ट्रांसलेट हिंदी मीडियम से की जाती है, कहीं ना कहीं मनोभाव ऐसा बैठ जाता है कि यही सही यही गलत, करते करते हमें लगता है कि नहीं यार हम गलत हैं,
हम क्या हमारे अंदर वो साल प्रतिसाल दिन प्रतिदिन कॉन्फिडेंस कम होता जा रहा है कि नहीं क्या हम इसको क्रैक भी कर पाएंगे। इस स्थिति में हम लड़के या हम जो हमारा बैच है 60-70 लोगों का हमने जो एक ग्रुप बना रखा है, इस स्थिति में आ चुका है मनोविज्ञान कि यार ऐसा तो नहीं कि हमारे लिए आईएएस ही नहीं है, क्यों ना हम दूसरा रूट चयन करें, क्यों ना हम पीसीएस पे ध्यान दें, वहीं है। कहीं ना कहीं हमारे ये माइंडसेट में धीरे 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 बैठाया गया है कि हिंदी मीडियम के लड़के इसके लिए एलिजिबल नहीं है। ओके, मैं अभी आपको रुकूंगा, आप बताइए आपका नाम क्या है और ये जो हिंदी मीडियम का स्तर क्यों गिर रहा है, और जो लोग हिंदी मीडियम से सिलेक्ट हुए हैं क्या वो दूसरे ग्रह से पढ़ के आते हैं या फिर वो भी यहीं रहते हैं? नहीं सर, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, मेरा नाम आनंद शर्मा है, मैं चित्रकूट से यूपी से रहने वाला हूँ। सर आपका क्वेश्चन ये है कि मतलब रिजल्ट क्यों गिर रहा है और जो आ रहे हैं क्या वो दूसरे ग्रह से आ रहे हैं? सब पहली बात क्योंकि वो सिलेक्ट हो रहे हैं तो वो लोग भी ऐसे ही पढ़ते हैं, दूसरे ग्रह से तो आ नहीं रहे। सर दूसरे ग्रह से मतलब जेन्यून सी बात है, दूसरे ग्रह से नहीं आ सकते, इंडिया के ही है। पहली चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि रिज़ल्ट अगर नहीं हो रहा है तो प्री लेवल पे कहीं ना कहीं हिंदी मीडियम लैग कर रहा है। सर अगर 17,000 बच्चे हो रहे हैं तो उसमें से मैक्सिमम आई थिंक 2,000 से 2,500 ज़्यादा मैक्सिमम ही है, और उसका सबसे बड़ा रीज़न है मेरे हिसाब से आई थिंक हो सकता है कि सीसैट एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। और सीसैट के अंदर क्या प्रॉब्लम है, पहली चीज़ तो हिंदी मीडियम का बंदा एक इंजीनियर या फिर मेडिकल क्षेत्र से होता नहीं है, होता है तो वो आर्ट और या फिर बीएससी इस तरह के बैकग्राउंड से होता है तो उसको मैथ और रीजनिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। उसके पास एक ही विकल्प बचता है, वो ही कॉम्प्रिहेंशन। यूपीएससी ने कॉम्प्रिहेंशन का जो ट्रांसलेशन है, मैं अपने भाइयों से एकदम एग्री करता हूँ कि ट्रांसलेशन के मामले में थोड़ा सा यूपीएससी को इम्प्रूव करना चाहिए। और सेकेंड लेवल पर सर अगर पहला पेपर आ रहा है जिसका अगर क्वालिफाई भी हो जा रहा है तो पहले पेपर में जो स्मार्टनेस है, एक अप्रोच होती है हिंदी मतलब एक पेपर को लेकर, प्री थोड़ा सा गेम है, प्री के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, मेहनत मेंस के लिए होती है। वहाँ आपने अटैम्प्ट दिया है अभी कोई? सर अटैम्प्ट किया था बट मेरा भी सीसेट ही रुका हुआ है। पहले पेपर मुझे मतलब पर्सनली मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और प्रॉब्लम हुई क्योंकि मेरा भी बैकग्राउंड इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीए रहा है और जिसकी वजह से मैथ थोड़ा सा लैग कर रहा है, इसकी वजह से मैं पिछले साल दिया था तो कॉम्प्रिहेंशन लेवल पर थोड़ा सा लैग कर गया, जिसकी वजह से मुझे लगता है एक लेवल ये है। और सेकेंड लेवल पर ओवरऑल अगर रिजल्ट के घट रहा तो सर मेरे हिसाब से अगर उनका अपने फेलोअर से मैं एकदम और एग्री करता हूँ, उन्होंने कहा था कि जो शेखर मतलब होता है इंग्लिश मीडियम। आप घबराइए मत, आराम से दिल खोल के बोलिए, अपना स्टूडेंटों का ही चैनल है, ये छात्रों का ही है, ये कोई ऐसा। ओके तो सर अगर फाइनल लिस्ट में अगर हिंदी मीडियम का पूर्णतः रिजल्ट नहीं आ रहा तो मुझे लगता है कि कारण ये भी है कि मेरे एक दोस्त ने कहा था कि भी जो चेकर होता है एग्जाम चेकर वो इंग्लिश मीडियम का है, तो मुझे लगता है कि वहाँ थोड़ा सा स्ट्रेटजिकल काम कर सकते हैं। जैसे ऑप्शनल को लेके आपको लगता है कि अगर ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस में अगर हम सब्जेक्ट ले रहे हैं तो वो इंग्लिश मीडियम वाला होगा, तो सर ऐसे कुछ सब्जेक्ट हमको चूज़ करना चाहिए था, लिटरेचर का कोई भी सब्जेक्ट मतलब ले सकते हैं, उसमें मजबूरी हो जाएगी यूपीएससी की कि लिटरेचर का कोई मतलब प्रोफेशन। आपसे जानना चाहूँगा जो लोग सिलेक्ट हो रहे हैं हिंदी मीडियम के, क्या वो दूसरे ग्रह से आ रहे हैं क्या, वो लोग कैसे हो जाते हैं? आप ये बताइए जो इंग्लिश मीडियम से भी सेलेक्टर है, आप टॉपर अभी जो शुभम है, वो उनका क्षेत्र क्या है? हिंदी बेल्ट ही तो क्षेत्र है बिहार। वही तो जो लोग सिलेक्ट हो रहे हैं, जो सिलेक्शन हो रहे हैं वो भी तो यूपी बिहार राजस्थान से ना, जो हिंदी बेल्ट से हैं। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि हिंदी बेल्ट खराब है? ये होता है कि लंदन से पढ़ के आके, कर्नाटक से पढ़ के आके, तमिलनाडु से, केरल से पढ़ के आते हैं जहाँ पर मैक्सिमम हिंदी भाषा नहीं है, तब समझ में आती। हम वही मैंने आपको पहले भी बता रहा हूँ कि एक पिता के अगर दो लड़के हैं, बड़ा लड़का थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिल गई उसको और थोड़ा छोटे वाले कम मिल गई, तो इसका ये मतलब नहीं उसके पास योग्यता नहीं है, बसरते आप उसको योग्यता देने की कोशिश तो करिए। उसके साथ अगर आप भेदभाव करना शुरू कर देंगे कि नहीं इसको ही मार्केट में रखना है और यही ज़रूरी है, क्योंकि हाँ ये बात ज़रूर है कि आज हम इंटर जैसे ग्लोबलाइजेशन की दुनिया में हम इंग्लिश को प्रीफर देते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हमें इंग्लिश ज़रूरत है और एक आईएएस होने के नाते इंग्लिश आना चाहिए। लेकिन जैसे कहा जाता है ना कि पानी शीशे के गिलास में पीजिए या स्टील के गिलास में पीजिए, यहाँ महत्व पानी पीने को दीजिए, आप ग्लास को नहीं। लेकिन आप ग्लास को महत्व देना कोशिश कर रहे हैं कि नहीं वो स्टील गिलास में पी रहा है तो बड़ा अच्छा है, या शीशे गिलास पी रहा है तो गरीब है, या प्लास्टिक गिलास में पी रहा है तो बहुत ही गरीब है। किसी शादी ब्याह फंक्शन में अगर कहीं प्लास्टिक भी घटिया वाला चला दिया गया ना तो वहाँ कहा जाता है कि एकदम ही गरीब है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो व्यक्ति पानी नहीं पिला रहा, आप पानी को महत्व दीजिए ना। आप बताइए जैसे मैंने बताया कि जब प्रीलिम्स में होता है तो वहाँ पे जो गूगल से ट्रांसलेशन किया जाता है, इस वजह से बच्चे चढ़ जाते हैं, और फिर उसके बाद जब वो मेंस में जाते हैं तो ज़्यादातर जो कॉपी चेक करते हैं वो इंग्लिश मीडियम के ही टीचर होते हैं, तो इंग्लिश मीडियम के टीचर होते हैं तो वो कहीं ना कहीं हिंदी मीडियम के साथ थोड़ा बहुत भेदभाव करते हैं। आप ये देखिए, अगर वो भेदभाव करते तो हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं फिर वो कैसे? देखिए सिलेक्शन तो क्या होता है, देखिए आप लास्ट ईयर देखोगे जैसे रबी से आगते बहुत सारे लोग जिनका सिलेक्शन हुआ उनका नेक्स्ट टाइम प्रीलिम्स ही क्वालिफाई नहीं हुआ, वही नहीं। कई सारे आप देख लोगे कि जिनका जैसे रबी से आग थे, बहुत सारे लोग थे जिनका सिलेक्शन ले चुके थे फिर उनका नेक्स्ट टाइम प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हुआ। तो
जो हिंदी मीडियम के आज आपको कोने कोने से छात्र देख रहे होंगे, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? क्या उन्हें अब आगे हिंदी मीडियम से तैयारी करनी चाहिए या नहीं, या उनको चेंज करते? नहीं, हिंदी मीडियम तैयारी में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि हमें कहीं ना कहीं उनके बराबर आने के लिए थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करने की ज़रूरत है। ये स्वाभाविक सी बात है कि हमें करना होगा, अपने आप को ये महसूस और ये स्वीकार करना होगा कि कहीं ना कहीं हमारी कमी है, तभी तो हम आगे नहीं निकल पा रहे हैं। क्योंकि व्यक्ति कुछ भी कर ले, हमें सबसे पहले सेलेक्ट होना है, तभी तो हम अपनी काबिलियत वहाँ दिखा पाएंगे। तो इसलिए काबिल होने के लिए कहीं ना कहीं हमें मेहनत करने की ज़्यादा ज़रूरत है। हिंदी मीडियम दिक्कत नहीं है, अगर मैं हिंदी मीडियम दिक्कत होता है तो क्यों सेलेक्ट होते लोग, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें सुधार करने की ज़्यादा ज़रूरत है। मेरा ये देखिए, दिल्ली में बहुत सारे बच्चे जो हिंदी मीडियम की तैयारी कर रहे हैं, फिर उसके बाद इलाहाबाद में कर रहे हैं, जगह जगह से कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि बच्चे पढ़ते नहीं हैं, आप यहाँ पे लाइब्रेरी में जाके देखोगे बच्चे दिन रात पढ़ते हैं, लेकिन जब रिजल्ट रिजल्ट इतना कम क्यों? हाँ, रिजल्ट जब कम आते हैं तो उनके अंदर आप देख लीजिए, जितने भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं वो पब्लिक में तो आते नहीं है, वो अपना जो गुस्सा है सोशल मीडिया पे, जैसे फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी लगा देते हैं। अभी आपने देखा होगा नीलोत्पल मिलाल जी हैं जो सीसेट के आंदोलन में भी थे, उन्होंने मतलब यूपीएससी एस्पिरेंट के बारे में, मतलब उनका अगर आप पोस्ट पढ़ेंगे तो उन्होंने लिखा, बहुत सारे लोग हैं उन्होंने पोस्ट लिखा, और मैं खुद अपने सोशल मीडिया पे देखा, मेरे बहुत सारे दोस्त थे जो हिंदी मीडियम के थे उन्होंने लिखा। अभी क्या है कि हर जगह पे आदमी परेशान है, मतलब कि सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा पढ़ने के बावजूद भी। अभी कुछ देर पहले एक भैया खड़े थे, उन्होंने बताया कि मैं यूपीएससी का इस बार इंटरव्यू दे के आया, फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो क्या है कि मतलब यूपीएससी को एक कमेटी बनानी चाहिए, और जितने भी कोचिंग संस्थान हैं हिंदी मीडियम के, जैसे दृष्टि हो, जीएस वर्ल्ड हो, एएलएस हो, और जितनी भी कोचिंग, उनको भी जो उनके संस्थापक, उनको भी बैठ के विचार करना चाहिए कि सिलेक्शन क्यों नहीं होगा हो रहा। आप देखते हैं जब किसी स्टेट बोर्ड का पेपर होता, चाहे यूपी पीसीएस हो या बिहार बोर्ड हो, राजस्थान बोर्ड हो, वहाँ पे देखते हैं कि हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं उनके रिजल्ट आ रहे हैं, वहाँ पे वो टॉप कर रहे हैं, अच्छे रिजल्ट कर रहे आ रहे हैं उनके। लेकिन जब यूपीएससी की बात है, रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे हैं, यहाँ पे एक बार सोचना चाहिए। मतलब एक सोचने का समय है या नहीं? नहीं, सोचने का समय तो वास्तविकता है, यहाँ पे एक ध्यान में सरकार को, अगर ये बात पहुँचे सरकार के तरफ, कान में जू रेंगे, हालांकि रेंग रही है लेकिन बहुत देर से रेंगी। हमारी जो स्कूलिंग व्यवस्था है ना, जब वहाँ से हमें तैयार किया जाएगा, जैसे छोटे पौधे को आप जगह दोगे पनपने के लिए तब तो वो पनपेगा। तो हमारी स्कूलिंग व्यवस्था, जो हमारी पढ़ाई की जो आज नीति कहते हैं, एजुकेशन नीति तैयार की गई है, कहीं ना कहीं उस एजुकेशन नीति को बहुत पहले अगर तैयार कर दी होते तो शायद आज जो इतना गिरा ग्राफ और जो कॉलेजों में या स्कूल में जो पढ़ाई जाती है, कहीं ना कहीं हमें केवल पढ़ाया नहीं जाता है, बस हमें मिड डे मील खाना खिलाया जा रहा है। आज भी मैं जो बच्चों को देख रहा हूँ, हालांकि मैं उससे गुजर चुका हूँ, लेकिन आज यहाँ पे आया हूँ तो मैं अपने मातृभूमि या अपने माता पिता को धन्यवाद देता हूँ कि मुझे यहाँ तक भेज पाया उन्होंने, चाहे जैसे करके। कहीं ना कहीं स्कूलिंग की सुधार करने की बहुत ज़रूरी है, जो इंटर कॉलेज और हाई स्कूल के बेस पर जो कहा जाता है कि अगर वहाँ से सुधार होगा तब कहीं ना कहीं बच्चा, क्योंकि पढ़ने का सिस्टम बोर्ड में ले जाना, अगर हम एक फ़ोन है, मैं हिंदी मीडियम बात कर रहा हूँ, बहुत यहाँ पे जो टीचर है, अगर हम क्लास करते समय फ़ोन चला लें, उनको लगेगा फ़ोन चला रहा है बच्चा, हम पे ध्यान नहीं दे रहा है, वो डांट देते हैं और बेइज्जती करते हैं। वही इंग्लिश मीडियम बच्चा लैपटॉप चला के फ़ोन पे स्टडी कर रहा है, तो स्मार्ट वर्क हुआ। ओके, हम अभी आपसे बात करेंगे, आप बताइए, ये जो हिंदी मीडियम वाले छात्र हैं, कई उसमें सेलेक्ट भी हुए हैं और ज़्यादातर हो नहीं रहे हैं, आपकी क्या वजह रही थी, क्योंकि आपने अभी एक अटैम्प्ट दिया कि नहीं हो पाया? सर, मेरी वजह तो यही थी कि मैं प्रीलिम्स लेवल पे सीसेट पे मतलब रह गया। बाकी अगर आप ओवरऑल की बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है सर, सुधार हर लेवल पे होना चाहिए। जैसे पहले मैं लेवल पे बात ये करना चाहूँगा, ये जो अभी जो रिजल्ट आया फिलहाल में, उस पर क्या कहना चाहेंगे, उसमें कम संख्या दिखाई? सर, निश्चित रूप से वो एक गंभीर वाला मतलब मुद्दा है, एक प्रकार से कहूँगा एक संतोषजनक रिजल्ट नहीं रहा है हिंदी मीडियम का। मुझे लगता है सर, वही संतुष्ट हैं क्या उससे? सर, संतुष्ट नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं संतुष्ट हूँ, क्योंकि जो होना चाहिए था वो फाइनली नहीं हो पाया। बट ओवरऑल आप सुधार की बात कर रहे हैं मतलब, तो उसमें ये कहना चाहूँगा सर, उसमें तीन लेवल पे बात करना, मतलब थोड़ा सुधार की गुंजाइश है। पहले लेवल पे ये हो सकता है कि किसी ना किसी माध्यम से ये बात पहुँचे यूपीएससी चीज़ को जानती भी है शायद कि ट्रांसलेशन लेवल पे लड़कों को प्रॉब्लम हो रही है, तो एक सुधार वो होना चाहिए। सेकेंड लेवल पे कोचिंग लेवल पे इंप्रूवमेंट होना चाहिए, और वो इंप्रूवमेंट इस लेवल का कि सर यहाँ बच्चों को लूटा ना जाए, यहाँ बच्चे पे काम किया जाए, जो एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें वो पढ़ाई जाएँ। तीसरे लेवल पे मुझे लगता है सर, हिंदी मीडियम को लेकर थोड़ा सा मैं, क्योंकि हिंदी बेल्ट पे रहता हूँ, तो वो चीज़ मैंने खुद मतलब महसूस की है कि जो स्मार्टनेस है, मतलब जैसे प्रीलिम्स अभी करीब है, बहुत करीब है, 10-12 दिन बचे हुए हैं, तो सर इस समय वही रिवीजन करना चाहिए, पूरी किताब रिवीजन नहीं करना चाहिए, तो मुझे लगता है थोड़ा सा स्मार्टनेस भी जरूरत है। सर, आप बताइए, आप बिल्कुल अभी आए हैं, जो अभी रिजल्ट आया था 2020 का, अभी यूपीएससी सीएससी का, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? देखिए, संतुष्ट तो हम नहीं है, चूँकि हम हिंदी मीडियम से। क्यों नहीं है आप?
भाई इतना रिजल्ट कम है, कहीं दिखिए नहीं रहा है। यहाँ पे मतलब लाखों लाखों रुपए लगा के बच्चे पढ़ते हैं, कोचिंग करते हैं, रहने का किराया देते हैं, माँ बाप का इतना पैसा बर्बाद करने आता है, सिलेक्शन नहीं मिल रहा है। देखिए यही तो सबसे बड़ी कुर चीज़ है कि सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है। 2011 से पहले ठीक ठाक था, 11 मतलब 15 तक 5-6% तक था, अब तो लगभग हमको लग रहा है कितना, 1-2% कहीं ना कहीं कोई तो स्ट्रेटजी है छाटने के हिंदी मीडियम के, क्योंकि पहले की अपेक्षा लड़के अच्छे से मेहनत करते हैं और मटेरियल भी ठीक ठाक हिंदी में आ भी रहे हैं, जैसे बीजन हो गया, इनसाइट हो गया, तो शंकर क्या हो गया, जो बढ़िया IAS बाबा जो बढ़िया बढ़िया बुक है उसका इंग्लिश में ठीक ठाक मतलब मटेरियल आ रहा है। अगर हिंदी का मटेरियल ठीक नहीं आ रहा है तो जो लोग सिलेक्ट हुए हैं हिंदी के, वो कौन सा मटेरियल, उन्होंने कहीं और विदेश से मंगाया था क्या, ये बताइए। नहीं, हमने क्या बोला कि मटेरियल अब ठीक आ रहे हैं, लोग कहते हैं कि हिंदी मटेरियल नहीं ठीक है, और ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड के जो बच्चे होते हैं प्रोफेशनल बच्चे से काफ़ी ब्रॉड नॉलेज होता है उनके, जो कि मान लीजिए बीटेक किए हैं या IIM से किए हैं या फिर मेडिकल किए हैं, उनसे ज़्यादा नॉलेज होता है IAS वगैरह बनने की, क्योंकि इनको सामाजिक नॉलेज ज़्यादा होता है और इनको किताबी नॉलेज ज़्यादा होता है, किताबी कीड़ा बन जाते हैं, और किताबी कीड़ा होते हैं, लेकिन इनका सिलेक्शन ज़्यादा है, ये थोड़ा सोचने वाली विषय है। आप क्या कहना चाहेंगे अभी इस पे, बताइए और कुछ कहना चाहते हैं, और कुछ जो स्टूडेंट आज हज़ारों देख रहे होंगे कौन कौन? मैं ये कहना चाहता हूँ जो भी स्टूडेंट दिल्ली में रह के या इलाहाबाद में कहीं भी तैयारी कर रहे हैं, अगर किसी के मन में लगता है कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हिंदी मीडियम के रिजल्ट से वो संतुष्ट नहीं है, तो वो मतलब अपनी बात कमेंट में बताएं और आप तक पहुंचाएं, और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो इस मुद्दे को YouTube के माध्यम से आगे बढ़ा रहे हो, इसके लिए आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं ये हिंदी हिंदू हिंदुस्तान की बात करते हैं, जब से प्राइम मिनिस्टर बने हैं तब से हिंदी मीडियम का रिजल्ट तो ख़त्म हो गया है। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं ये हिंदी हिंदू हिंदुस्तान की बात करते हैं, जब से प्राइम मिनिस्टर बने हैं तब से हिंदी मीडियम का रिजल्ट तो ख़त्म हो गया है। उनके आने से ये तो हुआ है। आप ये बताइए, जैसे कि अभी ये कहा जा रहा था कि अभी कुछ मोदी साहब ने ये निकाला कि बायलेटरल एंट्री, वो बायलेटरल एंट्री ले कहाँ से रहे हैं, क्या पॉलिटिकल साइंस के लोगों को ले रहा है क्या, जो BA इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और DU पढ़ रहा है, वो तो IIM से ले रहा है, इकोनॉमिक्स कॉमर्स ले रहा है, खड़गपुर कानपुर से ले रहा है जो बहुत कोर है। बायलेटरल एंट्री में अगर 350 IAS आप वहाँ से उठा लिए, 350 पद तो कम हुआ ना, 350 में से अगर 100 आदमी भी अगर सिलेक्शन लेता है, जैसे कहा जाता है ना कि अगर यहाँ जगह खड़ी है 100 लोगों की होती तो 50 तो आराम से खड़ा हो ही जाता, अब 10 ही खड़ा है तो 7 ही लोग आ पा रहा है। आप ये कह रहे हो कि यार 2 ही तो गमछा पहन के खड़ा, बकिया जींस है, यही बात यहाँ पे है ना कि आप 350 बायलेटरल एंट्री ले रहे हो। बायलेटरल एंट्री का मतलब क्या है, सीधी सी बात है कि ये सोची समझी रणनीति है, कोई ऐसा नहीं कि हिंदी मीडियम का रिजल्ट आज गिर रहा है तो इसके पीछे आज ही जिम्मेदार हैं, या पीछे जाओ धीरे 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 ब्रेन वॉश करना, भाषण देना, वो जो इंटरव्यू बोर्ड में बैठ रहे हैं वो कहाँ, क्या इंटरव्यू में बैठने वाला कोई इंसान हिंदी में पूछता है क्या, या जो इंटरव्यू दे रहा है क्या उसका आप वीडियो हमको मार्केट में दे सकते हैं क्या, क्यों नहीं देते वीडियो, अगर आपको लगता है कि आप हमारे साथ भेदभावपूर्ण और निष्पक्ष होकर भावना से आप इंटरव्यू ले रहे हैं हिंदी और इंग्लिश में कोई भेदभाव नहीं कर रहे हैं, तो क्यों नहीं आप इंटरव्यू में निकाल देते कि हाँ मैं इंटरव्यू में लिया और देखो इसने भी आंसर ये दिया, इसने भी आंसर ये दिया, हम 2×4 का या 2+2, बात तो 4 होनी है ना, लेकिन 2×4 आपको पसंद नहीं आ रहा और 2+2 पसंद आ रहा, आप बायलेटरल एंट्री का जो मुद्दा है ये भी कहीं ना कहीं क्या BA वालों को लेंगे क्या कि आप सामाजिक सुधार के लिए आइए, सामाजिक सुधार के लिए कहेंगे भैया जो IAS बैठे हैं वो, तो जो IAS बैठे हैं उनको भी तो आप इकोनॉमिक्स जोन में डालिए ना, क्यों आप ये अलग से ले रहे हैं बायलेटरल एंट्री से। आप कह रहे थे कुछ बताइए। देखिए बायलेटरल एंट्री के बारे में जो भाई साहब बोले, इनको शायद पता भी होगा कि सरकार के जो चमचे लोग होते हैं उनको बायलेटरल एंट्री से लिया जाता है, किसी नेताओं के जहाँ मतलब इर्द गिर्द होते हैं, क्योंकि वो आएंगे उनके हिसाब से उनके आगे पीछे करेंगे। आप सोचिए, एक मिनट सर, आप सोचिए जो 16 साल कलेक्टर बना, सेक्रेटरी बना उसमें, और जिसको कुछ ज्ञान ही नहीं है, एक कंपनी का MD1 के एक चेयर पर बैठा है या किसी नेता के दलानी में आगे पीछे किया है, PA बना है, आप उसको भेजिएगा सेक्रेटरी बना के वो क्या करेगा, या जिसको मतलब 16 साल DM रहा है, एडिशनल DM रहा है, सारी प्रक्रिया से गुजर गया, उन कुछ करेगा तो भाई साहब ऐसा है ना, जिसकी लाठी, सुन लीजिए, जिसकी लाठी उसकी भैंस। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जब से बने हैं और इस संघी वाले लोग ठहरे, इनकी एक ही मंशा है हिंदी हिंदी हिंदुस्तान की बात करो, लेकिन जो हिंदी मीडियम से पढ़ के आए हैं बच्चे उनकी मतलब पत्ता साफ करो, कहीं ना कहीं स्ट्रेटजी है, लेकिन स्ट्रेटजी है
एक बाइक इतने रिजल्ट गिर जाए तो सोचने वाली बात है। मटेरियल भी अब ठीक ठाक आ रहे हैं, जो चीज़ें हिंदी में पहले थे अभी सॉरी इंग्लिश में तो हिंदी में अवेलेबल हो रहे हैं, और बच्चे भाई काफ़ी मेहनत भी कर रहे हैं, लाखों रुपए लगा रहे हैं। अरे लाखों तो रुपया की तो बात छोड़िए, सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है? रुपया लगा के सब पढ़ते हैं, हिंदी इंग्लिश मराठी गुजराती सब पढ़ते हैं। लेकिन देखा जाए तो बिहार में, आप बिहार से ही हो तो वहाँ के 3 टॉपर हैं टॉप 10 में देखा जाए तो। इंग्लिश मीडियम से, इंग्लिश मीडियम क्या है, लेकिन जो शुभम कुमार हैं कहीं ना कहीं अभी भाई साहब कह रहे थे कि भाई क्षेत्र तो हिंदी है ना भैया। देखिए क्षेत्र हिंदी से क्या फ़र्क पड़ता है, हमारे जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं या पॉलिटिशियन हैं बड़े बड़े, इवन जो मिनिस्टर हैं हमारे 70-72, उनके एक भी घर के बच्चे बताइए जो हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं। देखिए हाथी का 2 प्रकार का दांत होता है, एक दिखाने वाला बड़ा, एक खाने वाला अलग। हम हिंदी हिंदी बात करते हैं ना भाई, आप जो बोले कि अभी हिंदुस्तान खतरे में, खतरे में बस वोट लेने के लिए है। हिंदी राष्ट्रभाषा कहने का नाम है ये पिछड़ों की, दलितों की, जो अपर कास्ट में जो लोग हैं पिछड़े परिवार के वहीं हिंदी पढ़ते हैं, या बैकवर्ड क्लास में जो लोग पिछड़े परिवार के हैं वहीं हिंदी पढ़ते हैं, हम लोग पिछड़े परिवार के हैं। तो क्या ये रिजल्ट देख के बहुत सारे स्टूडेंट तो अब एडमिशन नहीं लेंगे हिंदी मीडियम में, इंग्लिश की तरफ मुड़ जाएंगे, आप क्या सोचते हैं? ये तो उनके मनोभाव और उनके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि जो इंसान अपने आप को ये नहीं देख सकता कि मुझे हिंदी मीडियम से पढ़ना चाहिए और नहीं पढ़ना चाहिए, उसका तो मुझे लगता है आना भी या निरर्थक है। एक आप UPSC के लिए तैयारी करने के लिए चल रहे हो और आप ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि हम हिंदी मीडियम से जाएँ कि इंग्लिश मीडियम से जाएँ, तो यहाँ मुझे लगता है तैयारी करना भी उसका गलत है, क्योंकि इतनी सोच तो आपकी ब्रॉड होनी चाहिए ना, क्योंकि आप आयोग का एग्ज़ाम देने के लिए आ रहे हो। ये मैटर नहीं करता, बस मैटर ये करता है कि आप अपने आप को देखो कि आप किस किस भाषा में आप कंफर्ट, जैसे कहते हैं या सुटेबल या कंफर्ट ही मैं लिख रहा हूँ या कंफर्ट बोल रहा हूँ, मुझे लगता है सारे बच्चों को समझ में आ रहा है। अभी मैं बोलूँ कि एकदम उचित हो तो लोगों को एतराज़ लगेगा कि क्या बोल दिया, लड़का कहाँ से पृष्ठ आ गया, तो उचित उनको जो लगे ना उसके अकॉर्डिंग वो काम करें। ओके आप बताइए आप क्या कहना चाहेंगे इवेंट में, और कुछ कहना चाहते हैं आप? सर बस यही थोड़ा सा कहना चाहूँगा कि जिस लेवल पे मतलब लैकिंग हो रही है तो उस लेवल पे मतलब थोड़ा सा काम होना चाहिए, और मैं इस बारे में पहले ही बात कर चुका हूँ किस लेवल पे लैकिंग है। और बात रही स्टूडेंटों की कि हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट अपने मतलब मीडियम चेंज कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ऐसे ये ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं होगा। हो सकता अगर कोई कर सकता तो कर ले, अगर कोई कर सकता है, लेकिन अगर ये मतलब कोई ऐसा बंदा है जो कर नहीं सकता तो उसमें निराश होने की इतनी भी ज़रूरत नहीं है। कहीं ना कहीं अगर उस चीज़ को पकड़े कि UPSC की डिमांड के एक्शन, बताइए मीडियम चेंज करने से क्या मतलब है? बहुत सारे लोगों का 80% लोग हिंदी बोलते हैं और तमिल तेलुगु उर्दू जो भी चीज़ें हैं जो हमारी 22 भाषाएँ हैं बोलते हैं, तो आप बताइए कि हम 80% लोगों को मीडियम चेंज करा देंगे? तो एक काम करें हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, जितने स्कूल हैं उसमें इंग्लिश के टीचर बहाल ही करें, और मान लीजिए जो लड़का 25-30 साल 22 साल पढ़ के हिंदी है वो इंग्लिश कैसे चेंज कर लेगा? एक तो जो अच्छा खासा BTEC वगैरह करके MTEC आए हैं जो हिंदी मीडियम से पढ़े हैं उनके ठीक ठाक है इंग्लिश है, वो भी हिंदी में ही पढ़ते हैं हिंदी में ही लिखते हैं, जो मतलब अच्छे स्कूल से DPS वगैरह से नहीं पढ़े इंग्लिश मीडियम। तो देखिए भाषा चेंज करना समस्या का समाधान नहीं है, समस्या का समाधान है कि आखिर कमी कहाँ है, कहीं ना कहीं तो सिस्टम में कमी है इसलिए है। तो दोस्तों आज हम मौजूद थे नेहरू बिहार, पीछे आप देखेंगे तो दृष्टि कोचिंग सेंटर है जहां हमें UPSC के कई एस्पिरेंट मिले थे, इनसे हमने पहले भी बात की थी और आज भी की है। कहीं ना कहीं जो हिंदी मीडियम के UPSC के एस्पिरेंट हैं जो बहुत ज़्यादा अपना पैसा खर्च करके बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनका दुख दर्द आज जानने की कोशिश की थी। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जैसे कि आपने पहले किया है, और कहीं ना कहीं ये चैनल ऐसा है जो आपकी आवाज़ उठाता है, बाकी सब तो टॉपर्स को ज़्यादा दिखाते हैं, और जो कहीं ना कहीं बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन नहीं होता है उनकी हम ही दिखाते हैं, आप जानते हो। आज की वीडियो में इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।